शुकी लीला 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 जय हो श्री गणेश की मां शारदा प्रणाम श्री महेश के संग उमा पूर्ण करो सब काम बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव भोले भगवान जी, शिव भोले भगवान जी। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव भोले भगवान जी, शिव भोले भगवान जी। हे प्यारे शिव भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि संसार के रचने वाले ब्रह्मा जी हैं, संसार के पालन करने वाले श्री विष्णु जी हैं और इस जीवन रूपी चक्र से मोक्ष देने वाले भगवान शंकर हैं। भोलेनाथ एकदम भोले हैं, भोले भंडारी हैं और बड़ी जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। एक पल के लिए भी जो भोलेनाथ का ध्यान करते हैं प्रभु उनकी सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। भगवान शंकर कैसी कैसी लीलाएं रचकर अपने भक्तों का उद्धार करते हैं, ऐसी ही एक कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं। भगवान शंकर के कितने ही भक्त हुए, उनमें सबसे श्रेष्ठ भक्त जिसे माना जाता है वो एक पुजारन हुई है जिसका नाम है रानी चांगुणा। यह कथा स्कंद पुराण से ली गई है। तो भक्तों आइए विश्वास के साथ इस कथा को सुनिए और एक बार मेरे साथ प्रेम से बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव भोले भगवान जी, शिव भोले भगवान जी। कथा सुनाते हैं सबको हम भक्त और भगवान की, कैसी कैसी लीला रचते शिव भोले भगवान जी, शिव भोले भगवान जी। एक बार मुनिवर नारद जी पहुंच गए शिवलोक में, शिव के साथ उमा बैठी थी, सुंदर था संयोग ये, सुंदर था संयोग ये। नारद जी को आया देखकर माता पार्वती जी ने नारद जी से पूछा कि हे मुनिवर बताइए, इस समय तीनों लोकों में भगवान भोले शंकर का सबसे सच्चा और परम भक्त कौन है। मां पार्वती ने अपने मन में सोचा कि नारद जी उन्हीं का नाम लेकर कहेंगे कि हे माते आप ही सबसे श्रेष्ठ हैं,
लेकिन नारद जी बोले, नारद बोले जय बम भोले, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, नारद बोले जय बम भोले, जय हो उमा भवानी की, धरती पर चांगुणा रानी, जय बोल रही शिवदानी की, जय बोल रही शिवदानी की, राजा रानी दोनों जग में शिव के भक्त महान री, सबसे बड़े भक्त में गिनती है चांगुणा श्रियाल की, है चांगुणा श्रियाल की। नारद जी ने माँ पार्वती से कहा, हे भवानी, इस समय संसार में कांति नगर की रानी चांगुणा सबसे बड़ी शिव भक्त हैं। अतिथि सत्कार, दीन दुखियों की सेवा और द्वार पर आए भिक्षुक को उसकी मनचाही भिक्षा देना अपना सबसे बड़ा धर्म समझती हैं। ऐसी है रानी चांगुणा। ये बातें सुनकर माता पार्वती ने भोलेनाथ से कहा, शिव को देख उमा जी बोली, चलो जगत में नाथ चले, चलो जगत में नाथ चले, कौन है रानी चांगुणा, जग में चल कर उसे मिले, जग में चल कर उसे मिले, भोले मन में मुस्काए, भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ भोले नाथ, भोले मन में मुस्काए, पर उमा सकी ना जान री, जोगी बनकर चले उमापति, धरती पर भगवान जी, धरती पर भगवान जी। इसे कहते हैं प्रभु की लीला। पार्वती जी के कहने पर भगवान शंकर, जो जग के पालनहार हैं, स्वयं अपने भक्त से मिलने चल पड़े। पार्वती जी अदृश्य रूप में उनके साथ हो जाती हैं। भोले शंकर एक जोगी भिक्षुक का रूप धारण करके कांति नगर में प्रवेश करते हैं और क्या कहते हैं, अलख निरंजन भिक्षाम देही, जोगी की आवाज सुनकर राजमहल के आसपास के सभी लोग भिक्षुक जोगी को भिक्षा देने लगते हैं। रानी चांगुणा भी हाथों में भिक्षा का थाल लेकर महल के द्वार पर आती हैं और भिक्षुक की ओर भिक्षा का थाल आगे बढ़ाती हैं। भिक्षा देने लगी चांगुणा, जोगी ने इनकार किया, जोगी ने इनकार किया, सबसे भिक्षा ली किंतु इस भिक्षा का प्रतिकार किया, क्यों भिक्षा का प्रतिकार किया। लेकिन ये क्या, भिक्षुक ने रानी की भिक्षा लेने से इनकार कर दिया। चांगुणा को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो अपना अपमान महसूस करने लगी। अपमानित हो गई चांगुणा, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, अपमानित हो गई चांगुणा, भर आई आंखें उसकी, सबका दान लिया प्रभु जी, क्यों मेरा दान न लोगे जी, क्यों मेरा दान न लोगे जी, इस भिक्षा में कमी है क्या, जो ठुकराते हो दान जी, ऐसा क्या अपराध हो गया, क्यों रूठे श्रीमान जी, क्यों रूठे श्रीमान जी। हे प्यारे भक्तों, चांगुणा के पूछने पर जोगी ने कहा, चांगुणा मैं ये दान नहीं ले सकता, क्योंकि तुम निसंतान हो और एक निसंतान से दान लेना मेरे लिए पाप के समान है। ये बातें सुनकर रानी चांगुणा की आंखों में आंसू आ गए। रानी बोली, बोली रानी, हे बाबा, संतान विधाता देता है, संतान विधाता देता है,
इसमें मेरा दोष है क्या? यह तो कर्मों का लेखा है, यह तो कर्मों का लेखा है। मैं अपने कर्मों से हारी, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। मैं अपने कर्मों से हारी, बांझन हूँ निर्वंशिन हूँ। भोले बाबा दया करें, मैं उनकी एक पुजारन हूँ, मैं उनकी एक पुजारन हूँ। भोले बाबा जब चाहेंगे देंगे तब संतान भी। तुम तो मान करो बाबा, क्यों करते हो अपमान जी, करते हो अपमान जी। चांगुड़ा की आंखों में आंसू थे और चांगुड़ा की बातें जोगी के हृदय ऊपर पहाड़ की तरह टूट रही थी। चांगुड़ा की आंखों में आंसू देखकर भगवान शंकर विचलित हो गए। चांगुड़ा की भक्ति से प्रभावित होकर भगवान शंकर को अपने भक्त के सामने झुकना पड़ा। कहिए भोलेनाथ बाबा की जय। अपनी झोली फैलाकर वे चांगुड़ा से कहने लगे, तेरे जैसी भक्तन शिव की मैंने देखी नहीं कभी। मैं प्रसन्न हो गया हूँ तुझसे, दे दे भिक्षा दान अभी, आ दे दे भिक्षा दान अभी। भोले तेरा भला करे, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। भोले तेरा भला करे, तू जग में एक मिसाल बने। ले ये फल प्रसाद रूप में, जा तुझको एक लाल मिले, जा तुझको एक लाल मिले। खुश हो गई रानी चांगुड़ा, दिया खुशी से दानरी। भक्त प्रेम के आगे देखो, हारे शिव भगवान जी, हारे शिव भगवान जी। धन्य हो प्रभु, इसे ही कहते हैं प्रभु की कृपा। अपने प्रभु के हाथों से फल रूपी प्रसाद पाकर चांगुड़ा के जीवन में बहार आ गई। चांगुड़ा गर्भवती हो गई, पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गईं। समय बीतने लगा और रानी अपने आने वाले बालक का सपना देखते देखते कल्पना लोक में घूमने लगी। घूम रही खुशियों में रानी, सोच रही अपने मन में, सोच रही अपने मन में। भर जाएगी गोदब मेरी, लाल हंसेगा जीवन में, लाल हंसेगा जीवन में। कुलदीपक होगा मेरा मुन्ना, भोलेनाथ 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 होगा मेरा मुन्ना। उजियारा हो जीवन में, गूंजेगी किलकारी घर में, मुन्ना खेले आंगन में, मुन्ना खेले आंगन में। पढ़ लिख कर विद्वान बनेगा मुन्ना मेरा प्राणरी। भक्ति सिखलाऊंगी उसको, शिव भोले भगवान की, मैं शिव भोले भगवान की। भक्तों, इस तरह समय बीतने लगा। 9 माह 9 दिन के बाद वह शुभ घड़ी भी आ गई। शिव जी की कृपा से चांगुड़ा ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया और मां बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। भोलेनाथ 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 सारा नगर खुशियों से झूम उठा। खुशियां मनाते मनाते रानी चांगुड़ा को
उस जोगी बाबा की याद आने लगी। मन में सोचने लगी, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे भोले शंकर, मेरे भोलेनाथ स्वयं मेरे द्वार पर भिक्षुक के रूप में आए हों और ये प्रसाद देकर गए हों। रानी अपने भोले बाबा का मन ही मन धन्यवाद करती हैं। राजा रानी ने नगरवासियों के साथ मिलकर बालक का जन्मोत्सव मनाया। राजा ने शुभ मुहूर्त देखकर बालक का नामकरण संस्कार करवाया। बालक का नाम रखा गया चिल्लिया। भोले शंकर की माया कितनी अपरंपार है भक्तों, बोलो उमापति महादेव की जय। खुशियों के दिन बीतने लगे जग में राजा रानी के, जग में राजा रानी के। बालक बड़ा हो रहा था जय गूंजे शिवदानी के, जय जय गूंजे शिवदानी के। चिल्लिया बालक 5 साल का, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। चिल्लिया बालक 5 साल का, सुंदर चंचल लाल हुआ। सारे सुख सारी खुशियों से बचपन बहुत निहाल हुआ, बचपन बहुत निहाल हुआ। माँ कहती है पुत्र कृपा तू है शंकर भगवान की। चिल्लिया करने लगा भक्ति संग माँ के शिव भगवान की, संग माँ के शिव भगवान की। नन्हा सा बालक चिल्लिया माता पिता के प्यार और अच्छे संस्कारों को पाकर बड़ा हो रहा है। माता पिता की तरह वह भी शिव भक्ति में लीन रहने लगा है। भक्तों जैसे जिसके माता पिता वैसी ही उनकी संतान। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। उधर एक बार फिर मुनि नारद जब भ्रमण करते करते शिवधाम पहुंचते हैं तो क्या देखते हैं, नारद खड़े द्वार पर देखे भोले उमा भवानी को, भोले उमा भवानी को। चरण दबाते देख उमा को, हर्ष हुआ मुनि ज्ञानी को, हर्ष हुआ मुनि ज्ञानी को। गिरजापति गिरीश की जय हो, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ। गिरजापति गिरीश की जय हो, नारद ने जयकार किया। मुनि को देख उमा भी बोली मुनि प्रणाम स्वीकार किया, मुनि प्रणाम स्वीकार किया। नारद जी को देखकर माता पार्वती के मन में फिर से शंका जागी कि अब फिर कोई आग लगाने वाली बात लेकर आए हैं नारद जी। माँ पार्वती ने नारद जी से पूछा, कहिए मुनिवर अब इस संसार में कौन शिव जी का सबसे बड़ा भक्त है। इस बार माता पार्वती को पूरा विश्वास था कि नारद जी ने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि मैं प्रभु की सेवा में कितनी लीन हूं। अब तो पक्का है कि नारद जी मेरा ही नाम लेकर कहेंगे कि हे माते आप ही सृष्टि में सबसे बड़ी शिव भक्त हैं। लेकिन नारद जी बोले, हे भवानी आप मानो या ना मानो आज भी रानी चांगुड़ा ही सबसे बड़ी शिव की भक्त है। जब से उसे शिव जी की कृपा से संतान प्राप्त हुई है उसकी भक्ति उसकी आस्था दुगनी हो गई है। सुन के मुनि की बात भवानी चिढ़ गई वो अपने मन में, चिढ़ गई वो अपने मन में। बड़ी ईर्ष्या हुई उमा को आखिर ऐसा क्या उस भक्तन में, ऐसा क्या उस भक्तन में। माँ पार्वती जी शंकर भगवान से कहती हैं कि
कि हे नाथ, आज इस बात का फैसला हो ही जाए कि आपका सबसे परम भक्त कौन है। आज तो आप ये परीक्षा ले ही लीजिए। शंकर भगवान जो सब कुछ जानते हैं, मन ही मन मुस्कुराने लगते हैं। उनकी व्यंग भरी मुस्कान देखकर माता पार्वती जी और चिढ़ जाती हैं और वे रूठकर एक तरफ बैठ जाती हैं। प्यारे भक्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि स्त्री हट के आगे किसी की एक नहीं चलती, यहां पर भी स्त्री हट के आगे भगवान शिव को, भगवान भोलेनाथ को विवश होना पड़ा। एक काले कलूटे अवघड़ का रूप धारण करके वे कांति नगर की ओर चल पड़ते हैं। बोलो उमापति महादेव की। रूप कुरूप कलूटा काला बनके अवघड़ शिवदानी, बनके अवघड़ शिवदानी पार्वती के हट पर आए धरती पर अंतर्यामी, धरती पर अंतर्यामी अलख जगाया अवघड़ ने। भोलेनाथ 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 अलख जगाया अवघड़ ने और बोला जय जय बम भोले, सत्य न डिगे धर्म ना डूबे, खुश हो जाए शिव भोले, खुश हो जाए शिव भोले। मन चाहा भोजन करवा दे तू शिव भक्त महान री, बरसों से अवघड़ भूखा है हो तेरा कल्याण री, हो तेरा कल्याण री। अवघड़ की आवाज सुनकर राजा रानी दोनों महल से बाहर आते हैं और उस अवघड़ बाबा को अंदर ले जाकर बैठाते हैं। राजा श्रेयाल स्वयं अवघड़ के चरणों में बैठ जाते हैं। रानी चांगुणा स्वर्ण कलश के जल से अवघड़ के चरण धोती हैं। रानी चांगुणा अवघड़ के लिए बड़ा ही स्वादिष्ट भोजन मंगवाती हैं और कहती हैं, बाबा आइए पधारिए और इस भोजन को ग्रहण कीजिए महाराज। अवघड़ बाबा उस भोजन को खाने से मना कर देते हैं। रानी चांगुणा मन में सोचती हैं, शायद भोजन में कोई कमी रह गई होगी। वो रसोई घर में जाती हैं और स्वयं अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन बनाकर अवघड़ बाबा के लिए लेकर आती हैं। रानी गई रसोई घर में भोजन स्वयं बना लाई, भोजन स्वयं बना लाई कई थालियां कई तरह के भोजन उनमें ले आई, भोजन उनमें ले आई 56 व्यंजन स्वाद भरे। भोलेनाथ 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 छप्पन व्यंजन स्वाद भरे ले आई पकवान जी, हाथ जोड़कर बोली चांगुणा अब खाओ भगवान जी, अब खाओ भगवान जी। अवघड़ बाबा ने उस भोजन को भी खाने से मना कर दिया। बोले चांगुणा मैं शाकाहारी भोजन नहीं करता, मैं अघोर पंथी हूं, मांसाहारी भोजन ही करता हूं। यदि तू मुझे मांसाहारी भोजन खिला सकती है तो बता, वरना मैं जाता हूं। अवघड़ की बातें सुनकर राजा रानी दोनों मुस्कुराने लगे और बोले, हम सब शिव के भक्त हैं बाबा, भरा हुआ भंडार है ये, भरा हुआ भंडार है ये। इतनी छोटी बात की चिंता करते हो बेकार है ये, क्यों करते हो बेकार है ये। शेर बाघ चीता मरवाऊं, भोलेनाथ 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 शेर बाघ ची
पिता मरवाऊं, मृग का हर लूं प्राण जी, हारिल हंस कबूतर सारस बनवाऊं श्रीमान जी, बनवाऊं श्रीमान जी। राजा रानी की बातें सुनकर अवघड़ बोले, हे चांगुड़ा, पहले मुझे तू वचन दे, फिर मैं अपनी पसंद बताता हूं। चांगुड़ा ने बाबा को वचन दे दिया। अवघड़ बाबा वचन लेकर मुस्कुराने लगे और कहते हैं, पशु पक्षी जंगली जीवों का मांस मैं नहीं हूँ खाता, मांस मैं नहीं हूँ खाता, मांस मनुष्यों का अच्छा हो वही मेरे मन को भाता, वही मेरे मन को भाता, मुझे खिला सकते हो तो भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, मुझे खिला सकते हो तो तुम मानव मांस खिलाओ जी, किंतु शर्त एक मेरी सुन लो, मत गरीब मरवाओ जी, मत गरीब मरवाओ जी, सैनिक बल से हरण करो ना किसी को दो धन दान जी, ऐसा मांस नहीं खाऊंगा ये भी तुम लो जान जी, ये भी तुम लो जान जी। भक्तों, अवघड़ की बातें सुनकर राजा रानी हैरानी में आ गए। उन्होंने विचार किया और बोले, महाराज, आप अवघड़ साधु होकर मांस खाने की बात कर रहे हैं, और वो भी नर का मांस, यह बातें कुछ ठीक नहीं लगती महाराज। अवघड़ को यह बात सुनकर क्रोध आ गया, बोले, चांगुड़ा, तुम्हारी शिव भक्ति क्या सिर्फ दिखाने के लिए है? तुमने मुझे मनचाहा भोजन कराने का संकल्प लिया है, क्या ये सब ढोंग है? यदि तुम ऐसा नहीं कर सकती तो कोई बात नहीं है, मैं भूखा वापस चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारी इतने वर्षों की जो तपस्या है वो नष्ट हो जाएगी, तुम्हारा यश, तुम्हारी यह कीर्ति सब समाप्त हो जाएगी। अवघड़ बाबा रूठ कर जाने लगे। राजा रानी ने दौड़कर बाबा के पैर पकड़ लिए। राजा बोले, महाराज ठहरिए, आपका इस तरह से रूठ कर जाना ठीक नहीं होगा, महाराज आपकी जो भी इच्छा है उसे पूरा किया जाएगा, इसके लिए मैं अपने आप को समर्पित करता हूं महाराज। स्वयं समर्पित हूं भगवान, मैं मांस आप मेरा खाए, मन इच्छित भोजन को पाए, भूख शांत करके जाए, भूख शांत करके जाए, ऐसा नहीं हुआ जीवन में, भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, ऐसा नहीं हुआ जीवन में भूखा कोई भी जाए, रघुवर मैं तो धन्य हुआ ये जीवन आज काम आए, जीवन आज काम आए, अपने सत्य धर्म को मैं ना होने दूं बदनाम जी, इस तन का तुम भोग लगाओ, बचे धर्म ईमान भी, बचे धर्म ईमान भी। राजा की बातें सुनकर अवघड़ बोले, हे राजन, तुम प्रजा के पालनहार हो, तुम्हारे ना रहने से राज्य का संचालन कौन करेगा? यदि राजा नहीं होगा तो प्रजा को कौन देखेगा? इसलिए तुम्हारा मांस खाना उचित ना होगा। यह बातें सुनकर राजा चिंतित हो उठे। राजा को चिंता में देख रानी चांगुड़ा अवघड़ से कहती हैं, राजा का जीवित रहना जनता के लिए जरूरी है, जनता के लिए जरूरी है,
राजा का मरना ठीक नहीं, वो जीवित रहे जरूरी है, जीवित रहे जरूरी है। लेकिन राज बिना रानी के चलता है ये जग में जी, लो स्वीकार करो बाबा ये विनती मेरी सुन लो जी, विनती मेरी सुन लो जी। आप मांस मेरा खाएं सेवा में श्रीमान जी, जीवन होगा धन्य मेरा अब कहना लो ये मान जी, कहना लो ये मान जी। रानी की बात सुनकर अघड़ बोलते हैं, हे रानी मैं नारी का मांस नहीं खाता क्योंकि वो तो जननी है और मैं जननी का मांस कैसे खा सकता हूं। तब चांगुणा कहती है, हे प्रभु आप राजा का मांस नहीं खाएंगे, मेरा मांस भी नहीं खाना चाहते और मन इच्छित भोजन भी चाहते हैं, ये तो बड़ी विकट समस्या है महाराज, इस समस्या का समाधान कैसे होगा, आप ही इसका कोई रास्ता बताइए। अघड़ मुस्कुराने लगे और बोले, चांगुणा तुम्हारी इस समस्या का हल मेरे पास है। चांगुणा ने पूछा, क्या हल है महाराज? तब अघड़ बोले, वो लाल तेरा जो नौनिहाल जिसके अंगूरी गाल लाल, फूलों जैसा जो कोमल है नन्हे नन्हे हाथ लाल, नन्हे नन्हे हाथ लाल, धूमिल हो जाए छूने से जिसका सुंदर तन है लाल, जिसके तन में हर नस नस में लहू बहे है लाल लाल, लहू बहे है लाल लाल। तेरा चिल्ला चंचल बालक तेरा जीवन प्राण री, मांस खिला दे उस बालक का खुश होगा मेहमान री, खुश होगा मेहमान री। चांगुणा तेरे चिल्ला का मांस बड़ा मुलायम और स्वादिष्ट होगा, यदि तू मुझे उसका मांस खिला दे तो मेरी भूखाग्नि शांत हो जाएगी और तेरा मन इच्छित भोजन करवाने का जो संकल्प है वह भी पूरा हो जाएगा। औघड़ की बात सुनकर मानो चांगुणा के प्राण ही निकल गए। रानी को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था, मन ही मन भोलेनाथ से कहती है, हे भोलेनाथ क्या इसी दिन के लिए मैंने इतनी भक्ति की थी, क्या इसी दिन के लिए आपने मुझे पुत्र दिया है, हे भोलेनाथ ये क्या मांग लिया साधु ने, हे भोलेनाथ ये सब सुनने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई। लगे पाँव हिलने रानी के आंसू आए आँखों में, आंसू आए आँखों में, आने लगे याद बीते दिन तूफा था हर सांसों में, तूफा था हर सांसों में। चांगुणा की आंखों के सामने अंधेरा छा गया, एक तरफ औघड़ का हट और एक तरफ पुत्र का मोह, एक एक करके चांगुणा को अपने बीते दिन याद आने लगे। सुनी थी जब कोख ये मेरी लोग मुझे बांझन कहते, पापिन कहती थी ये दुनिया अपने निर्वंशिन कहते, अपने निर्वंशिन कहते, कान पक गए ताने सुन के, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। कान पक गए ताने सुन के झड़ी लगी अपमान की, आंखों पर आंसू होते थे होठों पर मुस्कान थी, होठों पर मुस्कान थी।
सारी बात याद करते करते चांगुड़ा आओ घर से कहती है, हे बाबा, जिस पुत्र को मैंने बड़े लाड़ प्यार से पाला है, जिसे कभी मैंने धूप भी नहीं लगने दी महाराज, अपने उसी लाल को जो हमारे कुल का दीपक है, जो मेरे जीवन का सहारा है, जो मेरी आंखों का तारा है, आज उसी कलेजे के टुकड़े को मैं कैसे मार सकती हूं महाराज। रानी की बातें सुनकर औघड़ क्रोध में आ गए और उठकर जाने लगे। चांगुड़ा अपने मन की पीड़ा को दबाते हुए औघड़ से कहती है, रुकिए महाराज, ठहरिए महाराज। और वो बाहर जाकर चिल्लिया को ढूंढ कर ले आती है, जो आंगन में अपने साथियों के साथ खेल रहा था। औघड़ के हाथों में चिल्लिया को सौंपते हुए चांगुड़ा कहती है, महाराज आप इसे ले जाइए, लेकिन हाथ जोड़कर आपसे विनती है, मेरी आंखों के सामने इसे कुछ मत करिएगा महाराज। औघड़ गुस्से में लाल हो गए और कहने लगे, औघड़ बोले इसको लेकर किस जंगल में जाऊंगा, किस जंगल में जाऊंगा, मैं जंगल का पशु नहीं जो कच्चा मांस चबाऊंगा, कच्चा मांस चबाऊंगा। ले जा अपना बेटा रानी, इसके 100 टुकड़े कर दे और लगन से उसे पका, तू थाली परोस के भोजन दे, थाली परोस के भोजन दे। खातिर करना सीख चांगुड़ा, घर आए मेहमान की, कैसी शिव की भक्तन है तू, कैसा है भगवान री, कैसा है भगवान री। जा ले जा अपने बेटे को और खुद अपने हाथों से काट कर अच्छी तरह से पका कर थाली में सजा के मुझे ला कर दे। बस इतना सुनना था कि चांगुड़ा का रंग नीला पड़ गया, वो पत्थर सी हो गई। देर होते देख औघड़ फिर चिल्लाए, चांगुड़ा क्या तू अपने दिए हुए वचन को भूल गई, अब मैं नहीं रुकने वाला, लेकिन जाने से पहले मैं तुझे ऐसा श्राप दूंगा कि तुम्हारा ये सारा कुल, सारा परिवार नष्ट हो जाएगा। श्राप की बात सुनकर चांगुड़ा बिलक पड़ी, पलक झपकते ही उसकी आंखों के आंसू सूख गए, उसकी ममता मानो पत्थर सी हो गई। उसने चिल्लिया का हाथ पकड़ा और रसोई घर की ओर ले जाने लगी, जैसे कोई कसाई बकरे को कसाई घर में ले जाता हूं। मासूम सा चिल्लिया सहमा सा डरा सा अपनी माँ को देखता रह गया। माँ ने चिल्लिया को एक झटके से पाटे पर लिटा दिया और तलवार को उसकी गर्दन पर रख दिया। नन्हा सा चिल्लिया ये सब देखकर घबरा गया। मत मारो माँ मुझे इस तरह, मैं तो लाल तुम्हारा हूँ। तुम ही कहा करती थी माँ मैं जीवन का सहारा हूँ, जीवन का सहारा हूँ। मुझे गोद में लेकर माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, मेरी माँ। मुझे गोद में लेकर माँ तुम आंचल में खिलाती थी, चूम चूम कर मुखड़ा मेरा कितना खुश हो जाती थी, कितना खुश हो जाती थी। मुझे छोड़ दो करवाऊंगा तीरथ चारों धाम री, दया करो मेरी माँ मुझ पर, तू तो बड़ी महान री, तू तो बड़ी महान री। मासूम सा चिल्लिया अपनी माँ से कहता जा रहा था, हे माँ, अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ कर दे माँ, मैं फिर से कोई गलती नहीं करूंगा माँ। चिल्लिया विनती कर रहा है, लेकिन चांगुड़ा विवश थी, मजबूर थी। उसने चिल्लिया की ओर छलकती आंखों से देखा और अपनी विवस्था उसे बताती है। न
मेरे लाल कोई भी माँ क्यों काटेगी अपना बेटा। मेरे कलेजे का तू टुकड़ा जीवन का है धन बेटा, जीवन का है धन बेटा। मैं कितनी बेबस हूँ चिल्ला, मेरे लाल मेरे लाल मेरे लाल। मैं कितनी बेबस हूँ चिल्ला, कैसे तुझे बताऊँ मैं। औघड़ का कहना है तेरा, मांस उसे खिलाऊं मैं, मांस उसे खिलाऊं मैं। इधर मुँह है उधर धर्म है, आगे है ईमानरी। चिल्ला बोला काट दे मुझको, क्यों रोती नादानरी, क्यों रोती नादानरी। शांगुड़ा ने जब चिल्ल्या को सारी बातें बताई तो चिल्ल्या अपनी माँ का हौसला बढ़ाते हुए कहता है कि हे माँ, इससे बढ़कर मेरे लिए और क्या बात हो सकती है। मैं बड़ा भाग्यशाली हूँ माँ कि मेरा ये शरीर आज तेरे काम आ रहा है। धन्य हो गया मेरा जीवन और धन्य हो गई तेरी कोख। चिल्ल्या माँ को दिलासा देते हुए कहता है कि माँ तू क्यों चिंता करती है, मैं भोले बाबा से प्रार्थना करूंगा कि फिर से तेरी कोख से जन्म लूं। अब इस शुभ कार्य में देरी मत कर माँ, मैं तैयार हूं, ले मुझे काट दे और मेरा मांस औघड़ बाबा को खिलाकर अपना धर्म निभा दे माँ। वचन की याद आते ही शांगुड़ा का पुत्र मोह पत्थर हो गया। उसे कुछ भी होश ना रहा कि वह क्या करने जा रही है। देखते ही देखते उसने चिल्ल्या का सर धड़ से अलग कर दिया। हाय रे विधाता, ये कैसा तेरा खेल। इसे देखकर तो पत्थर का कलेजा भी कांप उठेगा। जिस बेटे को इतनी मन्नतें मांगकर पाया था, उसी कलेजे के टुकड़े को मां ने आज अपने हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दिया। धड़ से सिर को अलग किया, फिर हाथों की बारी आई, हाथों की बारी आई। चिल्ल्या का तन उछल पड़ा, तब सारी धरती थर्राई, सारी धरती थर्राई। चिल्ल्या की नन्ही सी उंगली तड़प रही मछली जैसे, काट रही थी बेटे को और हाथों में खंजर चमके, हाथों में खंजर चमके। अलग किया दिल को सीने से, खींची पेट से आतरी, खंजर चला कलेजे पर, वो बन गई एक हैवान सी, बन गई एक हैवान सी। ये कैसी भाग्य की विडंबना है भक्तों। अभी कुछ समय पहले जो एक नन्हे से बालक की माँ थी, वही अब हैवान बन गई है। चांगुड़ा ने चिल्ला के शरीर के सारे टुकड़े इकट्ठे किए और उन्हें खोलते हुए पानी में पकाने लगी। चिल्ला का मांस पकाकर थाली में परोसकर चांगुड़ा औघड़ के पास आती है और निवेदन करती है, महाराज लीजिए भोजन ग्रहण कीजिए। औघड़ ने भोजन की ओर देखा और थाली को गुस्से में आकर एक तरफ सरका दिया और चिल्लाया, चांगुड़ा ये भोजन है या कुछ। औघड़ को गुस्से में आया देख रानी घबरा गई और पूछने लगी, अब क्या भूल हो गई महाराज। तो औघड़ बोले, सिर का मांस कहाँ थाली में, भोजन अभी अधूरा है, भोजन अभी अधूरा है। स्वाद है जिसमें वो तो घर में, ये भोजन तो कूड़ा है, ये भोजन तो कूड़ा है। तू कुलटा कपटी नारी है, भोलेनाथ भोलेनाथ भोलेनाथ। भोले
तू उल्टा कपटी नारी है, तेरी नियत है साफ नहीं। नहीं पता था मेरे संग में कर जाएगी घात कहीं, कर जाएगी घात कहीं। मन चाहा भोजन क्या देगी, तू तो है बेईमान री। करती है अपमान चांगुड़ा घर आए मेहमान की, घर आए मेहमान की। चांगुड़ा, इसमें सिर का मांस क्यों नहीं है? तूने उसका सिर कहां छिपा कर रखा है? अरे सिर का मांस ही तो सर्वोत्तम भोजन होता है, जिसमें पांच आवश्यक अंग होते हैं, आंख, नाक, कान, मुंह और दिमाग। ये पांचों अंग यदि भोजन में नहीं रहेंगे तो मेरे लिए ये भोजन खाना बेकार है। चांगुना ने डरते डरते कहा, महाराज मां की ममता अंधी होती है, ये जानते हुए भी कि चिल्लिया अब इस संसार में नहीं है, लेकिन उसी ममता के वश में आकर मैंने उसका सिर रसोई घर में छिपा कर रख दिया था कि रोज उसके चेहरे को देखकर ही अपने मन को तसल्ली दे लूंगी। लेकिन आप नाराज ना हो, मैं उसका सिर भी लेकर आती हूं। अघोड़ बोले, चांगुड़ा मेरी बात को ध्यान से सुन, अब मेरी आंखों के सामने तू चिल्लिया का सिर ओखल में डालकर उसे कूटेगी, और ध्यान रहे उसे कूटते हुए तेरी आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए, और ऐसा करते हुए तू मंगल गीत गाएगी। प्यारे भक्तों, चांगुड़ा चिल्लिया के सिर को कूटते हुए ये गीत गाती है। चिल्लिया तू कैलाश जा रहा पार्वती के आंचल में, तुझे दुलार मिले मैया का रहना शिव के चरणन में, रहना शिव के चरणन में। माँ के ऋण से मुक्त हो गया मेरे लाल, मेरे लाल, मेरे लाल। माँ के ऋण से मुक्त हो गया अब तेरा क्या नाता रे, याद रहेगा बेटा तुझको, माने तुझको काटा रे, माने तुझको काटा रे। रो भी ना पाऊं मैं तुझ पे, गाऊं मंगल गान रे। मत कहना भोले से जाकर माँ होती भगवान रे, माँ होती भगवान रे। चांगुड़ा सिर का मांस पकाकर फिर से थाली परोसकर औघड़ बाबा के लिए लेकर आती है। औघड़ ने फिर से क्रोध में आकर चांगुड़ा से कहा, अरे ओ मूरख, तुझे अतिथि सत्कार का तरीका भी नहीं मालूम, क्या इसे मैं अकेले खाऊंगा? तुम लोग भी मेरे साथ मिलकर ये भोजन खाओगे। सुनकर चांगुड़ा फूट फूट कर रोने लगी। सन्नाटे में आ गई चांगुड़ा, औघड़ से कहने लगी, महाराज जिस बच्चे को 9 महीने पेट में रखा उसी बच्चे का मांस खाने के लिए आप मुझे बाध कर रहे हैं, ये कैसे संभव होगा महाराज? औघड़ फिर से क्रोध में आ गए और उठकर जाने लगे। राजा और रानी फिर से बाबा के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं, रूठो मत महाराज नाथ, भूखा ना जाने देंगे, भूखा ना जाने देंगे। जैसा आप कहेंगे स्वामी वैसा ही होने देंगे, वैसा ही होने देंगे। राजा रानी सोचते हैं, यदि अब बाबा का कहना नहीं मानेंगे तो बेटे का बलिदान व्यर्थ चला जाएगा और हम दोनों तरफ से पाप के भागीदार बनेंगे, इसलिए यही अच्छा होगा कि हम लोग औघड़ की बात मान लेते हैं। औघड़ कहते हैं, तो जाओ 3 थालियां और परोस कर ले आओ। रानी रसोई घर में जाती है और 3 थाली भोजन और परोस के ले आती है। औघड़ के साथ राजा श्रियाल और रानी चांगुड़ा भोजन करने बैठ जाते हैं। तब रानी चांगुड़ा पूछती है, महाराज ये 4थी थाली किसके लिए मंगाई है आपने?
महाराज ये चौथी थाली किसके लिए मंगाए हैं, किसके लिए मंगाए हैं? हम तो तीन यहाँ बैठे हैं, चौथा कोई बुलाए हैं, चौथा कोई बुलाए हैं। चांगुड़ा की बात सुनकर अवघड़ बोले, चौथी थाली चिल्ल्या की है, बुला ले अपने बेटे को, बुला ले अपने बेटे को, वो भी भोजन साथ करेगा, तब खाएंगे भोजन को, तब खाएंगे भोजन को। अवघड़ की बात सुनकर रानी घबरा गई, वो समझ नहीं पा रही थी कि ये सब क्या हो रहा है। मन ही मन सोचती हैं, हो ना हो अवघड़ कोई पागल है। अवघड़ से कहती हैं, महाराज चिल्ल्या का मांस तो आपकी थाली में है, मरने के बाद भी क्या कोई वापस आता है? अवघड़ फिर से हट करते हैं और कहते हैं कि तू बुला, आवाज लगा चिल्ल्या को, चांगुड़ा बच्चे को काटते समय यदि तेरे मन में शिव के प्रति अटल विश्वास रहा होगा, सच्ची भक्ति रही होगी, तो चिल्ल्या तेरी आवाज सुनकर अवश्य आ जाएगा। चांगुड़ा को फिर से अवघड़ के हट के आगे झुकना पड़ा। वो उठकर द्वार पर जाती है और चिल्ल्या को आवाज लगाती है, चिल्ल्या चिल्ल्या मेरे लाल तू कहाँ है? इतने में चांगुड़ा क्या देखती है, प्यारे भक्तों चांगुड़ा क्या देखती है कि चिल्ल्या माता पार्वती का हाथ पकड़े उसी की ओर आ रहा है। दौड़कर चिल्ल्या माँ की छाती से लग जाता है। चांगुड़ा के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा, माँ की ममता उमड़ पड़ी, बेटे को बार बार चूमती है, बार बार सीने से लगाती है। अचानक क्या देखती है रानी कि अब अवघड़ बाबा वहां नहीं है, उनके स्थान पर साक्षात शंकर भगवान खड़े हैं। भगवान शंकर और माता पार्वती को देखकर राजा रानी के आश्चर्य का ठिकाना ना रहा। प्रभु के दर्शन पाकर दोनों धन्य हो गए, भाव विभोर होकर राजा और रानी दोनों प्रभु के चरणों में नतमस्तक हो गए। माँ पार्वती ने रानी चांगुड़ा को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान देते हुए कहा, देख तेरी श्रद्धा भक्तन और देख लिया विश्वास रे, देख लिया विश्वास रे, तुझसे बढ़कर शिव की भक्तन नहीं है जग में आज रे, नहीं है जग में आज रे, तेरे आगे मेरी भक्ति शिव की माया हार गई, चल तू अब शिवलोक चांगुड़ा भव बंधन से पार हुई, भव बंधन से पार हुई, राजपाट चिल्ल्या को दे तू चल अब तू शिव धाम री, रानी चांगुड़ा शिव भक्तन का दुनिया लेगी नाम री, दुनिया लेगी नाम री। प्यारे भक्तों भोले बाबा ने स्वयं अपने हाथों से चिल्ल्या का राज तिलक किया, धरती पर चांगुड़ा की शिव भक्ति त्याग और बलिदान देखकर सारा देवलोक प्रसन्न हो गया। करुणा सागर भोले शंकर की अपनी परम भक्तन चांगुड़ा पर कृपा हुई। भगवान शिव राजा श्रीयाल और रानी चांगुड़ा को अपने साथ पुष्पक विमान में बैठाकर शिवलोक की ओर चल पड़ते हैं। यह सब देखकर सभी देवी देवता आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगते हैं। भक्ति कथा चांगुड़ा रानी की श्रद्धा है विश्वास है, श्रद्धा है विश्वास है, शिव जीवन में उन्हीं को मिलते जिनको शिव प्रयास है, जिनको शिव प्रयास है, शिव की कृपा मिलेगी उनको। भोलेनाथ 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 भोलेनाथ, शिव की कृपा मिलेगी उनको, कथा सुने जो ध्यान से,
भक्ति भाव से मिलते प्रभु जी, नहीं मिले वो ज्ञान से, नहीं मिले वो ज्ञान से। धन वैभव यश मिली है कीर्ति, जग में हो सम्मान जी, शिव भक्ति में रानी चांगुड़ा, जग में हुई महान जी, जग में हुई महान जी। हे प्यारे शिव भक्तों, यह कथा आस्था और विश्वास की है। इस प्रकार का त्याग और बलिदान कभी हुआ करता था, आज के युग में इसकी आवश्यकता नहीं है। आज तो यदि सच्चे मन से पल भर भी भगवान को याद किया जाए तो बेड़ा पार हो जाता है। स्वयं तुलसीदास जी ने मानस में कहा है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर ही पारा। प्रभु की कथा का कोई अंत नहीं है, प्रभु तो स्वयं अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हे प्यारे भक्तों, यह कथा सुनाते हुए यदि जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हुई हो तो कृपया मुझे क्षमा करें।